नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट जुगाड़ टेक का एक फ्रेश एक्साइटिंग एपिसोड पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज का इस वीडियो के अंदर हम लोग वोडाफोन आइडिया के बारे में बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, वोडाफोन आइडिया की तरफ से एक ज़बरदस्त न्यूज निकल के आया है। दोस्तों फाइनली वोडाफोन आइडिया जो है अपने प्राइस के अंदर प्राइस हाइक करने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, वोडाफोन आइडिया जो है अभी फाइनली अपने दो प्लान के अंदर जो है प्राइस हाइक कर दिया है। तो दोस्तों आपने एकदम सही सुना, वोडाफोन आइडिया जो है अपने दो प्लान के अंदर प्राइस हाइक कर दिया है। तो दोस्तों अगर आप वोडाफोन आइडिया का ग्राहक है, आप जानना चाहते हैं कौन सी प्लान के अंदर वोडाफोन आइडिया जो है प्राइस हाइक कर दिया है, कौन सी दो प्लान था इसके अंदर आपको क्या कुछ बेनिफिट मिल रहा था, तो दोस्तों अगर आपके इसके बारे में डिटेल में जानना है तो आज का वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। आशा करते हैं आपको इस वीडियो के अंदर बहुत ही अच्छा जानकारी जानने को मिलेगा। तो चलिए बिना मिस किए आज का वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों वोडाफोन आइडिया, दोस्तों अगर मैं वीआई कंपनी का बात करूं तो दोस्तों वोडाफोन आइडिया जो है अपने प्रीपेड सेक्टर के अंदर ज़बरदस्त ऑफर तो प्रोवाइड करते ही है, उसके साथ ही साथ जो है पोस्टपेड सेक्टर के अंदर भी ज़बरदस्त ऑफर प्रोवाइड करते हैं। दोस्तों वोडाफोन आइडिया अपने पोस्टपेड सेक्टर के अंदर दो तरीके के सर्विस प्रोवाइड करते हैं, एक है इंडिविजुअल प्लान सर्विस और दूसरा है फैमिली सर्विस। जी हाँ दोस्तों जो इंडिविजुअल सर्विस होता है उसमें आपको एक ही सिम दिया जाता है और उसमें आपको एक ही सिम के अंदर आपको जो है पोस्टपेड से का जो सर्विस है वो आपको प्रोवाइड किया जाता है। लेकिन जो फैमिली वाला जो प्लान होता है उसके अंदर आपको दो या तीन या चार सिम आपको दिया जाता है, उसके अंदर आपको जो है और चारों सिम के अंदर आपको जो है एक बार ही रिचार्ज करवाना पड़ता है और आप जो है चारों सिम को अपने फैमिली में यूजर्स को देख के जो है यूज कर सकते हैं एक साथ में। तो दोस्तों इसी तरीके से जो कुछ वोडाफोन आइडिया का इंडिविजुअल और जो फैमिली प्लान है उसके अंदर इस तरीके से जो है काम करता है। तो दोस्तों वोडाफोन आइडिया ने जो प्राइस हाइक किया है वो अभी वोडाफोन आइडिया का फैमिली प्लान के अंदर कर दिया है। जी हाँ दोस्तों अगर मैं प्लान का बात करूँ तो 598 रुपीज़ वाले प्लान और 749 रुपीज़ वाले प्लान, दोस्तों ये दो जो प्लान है ये दो प्लान के अंदर 50 रुपये का प्राइस हाइक वोडाफोन आइडिया ने कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, आपने एकदम सही सुना, दोस्तों ये दो प्लान के अंदर आपको जो है वोडाफोन आइडिया 50 रुपये का प्राइस हाइक कर दिया है। तो दोस्तों अगर हो सकते हैं कि अभी जो है वोडाफोन आइडिया सिर्फ पोस्टपेड सेक्टर से ही चालू किया एक प्राइस हाइक करना, हो सकता है कि आने वाले दिन के अंदर आपको प्रीपेड सेक्टर के अंदर भी प्राइस हाइक देखने को मिल जाए। तो दोस्तों अभी मैं आपको बता देता हूँ कि इसका प्राइस अभी प्राइस हाइक करके कितना कर दिया गया है और इसमें आपको क्या कुछ बेनिफिट मिलता था वो जो आप जो जिसके लिए आपको जो है 598 रुपीज़ देना पड़ता था और 749 रुपीज़ देना पड़ता था, लेकिन अभी जो है कितने प्राइस हाइक हो गया है और कितने रुपीज़ आपको जो है अभी पे करना पड़ेगा और इसमें आपको क्या कुछ बेनिफिट मिलने वाला है जो आपको सेम प्राइस के अंदर पहले मिलता था लेकिन अभी जो है आपको उसके लिए आपको 50 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। दोस्तों वोडाफोन का जो पहला प्लान था 598 रुपीज़ उसका अभी प्राइस हाइक करके 649 रुपीज़ कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, जो प्राइस आपको 598 रुपीज़ में जितने बेनिफिट मिल रहा था अभी उस सेम बेनिफिट के लिए आपको 649 रुपीज़ आपको देना पड़ेगा। तो इस प्लान में आपको क्या कुछ मिलता था आइए मैं आपको बता देता हूँ। इस प्लान के अंदर आपको इसमें टोटल 80 GB डेटा दिया जाता था। जी हाँ दोस्तों, आपके इसमें टोटल 80 GB डेटा दिया जाता था और इस प्लान का जो यूजर्स था वो दो सिम यूजर्स के लिए आपको दिया जाता था। ये जो 80 GB था, ये 80 GB एक प्राइमरी कनेक्शन होता था और एक सेकेंडरी कनेक्शन होता था, मतलब एक प्राइमरी सिम और एक सेकेंडरी सिम। दोस्तों जो जिनके पास वो प्राइमरी सिम होता था उसके पास 50 GB का लिमिट था, मतलब आप जो है 50 GB इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं और जो सेकेंडरी सिम यूज़ करेंगे उसके लिए आपको 30 GB डेटा दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, और इसके साथ ही साथ दोनों दो जो प्राइमरी और जो सेकेंडरी सिम है वो दोनों सिम में आप अनलिमिटेड कॉलिंग कर सकते हैं और इसके साथ ही साथ आपको जो है 100 SMS भी दोनों सिम में सेंड करने के लिए मिल जाते थे। जी हाँ दोस्तों, आपने एकदम सही सुना। दोस्तों इसी तरीके से जो कुछ आपको वोडाफोन आइडिया पहले ऑफर प्रोवाइड करते थे 598 रुपीज़ के अंदर, 98 रुपीज़ के अंदर, लेकिन अभी जो है आपको 649 रुपीज़ दे के वही सेम बेनिफिट वाले प्लान का जो है अभी रिचार्ज करवाना पड़ेगा। दोस्तों अभी हम लोग बात कर लेते हैं सेकंड प्लान का। दोस्तों जो सेकंड प्लान के अंदर प्राइस हाइक हो गया है वो है 749 रुपीज़ का। दोस्तों जो प्लान आपको 749 रुपीज़ के अंदर मिल रहा था उसके लिए अभी आपको 799 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, जो प्राइस आपको 749 रुपीज़ के अंदर मिला था
उसका प्राइस एक करके कर दिया गया 799 rupees। तो दोस्तों इसके अंदर आपको क्या कुछ मिलता है आइए मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों इस प्लान के अंदर आपको पहले जो मिलता था वही सेम चीज़ मिलेगा, लेकिन अभी जो आपको थोड़ा सा पैसा जो है ज़्यादा देना पड़ेगा। तो दोस्तों इस प्राइस के अंदर आपको टोटल 3 कनेक्शन देखने को मिलते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक प्राइमरी और 2 सेकेंडरी सिम आपको देखने दिया जाता था इस प्लान के अंदर। इस प्लान के अंदर आपको टोटल 120 GB डेटा दिया जाता था। जी हाँ दोस्तों, इस प्लान के अंदर आपको टोटल 120 GB डेटा दिया जाता था, और जो प्राइमरी कनेक्शन था उसके लिए 60 GB का लिमिट था। जी हाँ दोस्तों, वो जो 60 GB डेटा यूज़ कर सकते थे, और जो सेकेंडरी और जो और एक सेकेंडरी 2 सेकेंडरी सिम है उसमें आपको 30 GB करके डेटा लिमिट था। जी हाँ दोस्तों, जो प्राइमरी है उसको 16 GB डेटा यूज़ कर पाएगा, और दो जो सेकेंडरी सिम आपको दिया जाएगा जो आपके फैमिली यूजर्स के लिए, तो उनके लिए जो है 30 GB का लिमिट है। और इस तीनों सिम कार्ड के अंदर ही जो आपको प्रोवाइड किया जाएगा उसमें आपको अनलिमिटेड कॉलिंग का सुविधा दिया जाएगा, तो आप अनलिमिटेड कॉलिंग भी कर सकते हैं। और इसके साथ ही साथ आपको तीनों सिम के अंदर 100 SMS का लिमिट आपको दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आप जो 100 SMS भी कर सकते हैं। और दोस्तों ये जो प्लान जो मैंने आपको बताया, इस दोनों प्लान के अंदर आप जो 649 प्लान और जो जिसका भी बढ़ा दिया गया है, और जो 749 प्लान, ये दोनों प्लान के अंदर आपको अमेजन प्राइम का जो सब्सक्रिप्शन है वो भी आपको फ्री में प्रोवाइड किया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, इसके साथ ही साथ जो वोडाफोन टीवी एंड मूवीज़ का है उसका भी सब्सक्रिप्शन आपको फ्री में प्रोवाइड किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों आपको एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, जो प्लान मैंने आपको बताया जो अभी प्राइस है करके 50 रुपये एक्स्ट्रा आपको कर दिया गया है वोडाफोन की तरफ से, ये विदाउट GST है। जी हाँ दोस्तों, आपको जो इसके अंदर 18% GST आपको लगाना पड़ेगा तभी जो है आप ये प्लान को ले पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, मैंने आपको जो प्लान बताया विदाउट GST है, लेकिन 18% आपको GST पे करके जो है आपको जितने प्राइस आपका लगेगा उतने प्राइस ही आपको देना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो दोस्तों जिन लोग वोडाफोन आइडिया का पोस्टपेड सिम यूज़ करते हैं उनके लिए जो है ये दो प्लान के अंदर प्राइस हाइक कर दिया गया है। तो दोस्तों हो सकता है कि आने वाले टाइम के अंदर वोडाफोन आइडिया अपने प्रीपेड यूजर्स के अंदर भी जो है प्राइस हाइक कर दे, क्योंकि उनका जो बातचीत है वो चल रहा था। मैंने आपको पहले ही वीडियो बना के बता दिया गया था कि कुछ दिनों के अंदर वोडाफोन आइडिया जो है उसका जो पोस्टपेड सेक्टर और जो प्रीपेड सेक्टर है दोनों सेक्टर के अंदर ही जो है प्राइस हाइक करने वाला है। तो दोस्तों ऐसा ही कुछ नहीं, मुझे वोडाफोन आइडिया की तरफ से आया था, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। दोस्तों वीडियो पसंद है, कुछ नया जानकारी मिला आपको, तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों और रिलेटिव के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जिससे उनको भी इस वीडियो का माध्यम से कुछ जानकारी मिल पाए। और दोस्तों ऐसे ही लेटेस्ट टेलीकॉम सेक्टर के न्यूज़ डेली बेसिस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास में देखे बेल को भी बजाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ऐसे इंटरेस्टिंग टेलीकॉम सेक्टर का न्यूज़ डेली बेसिस देखने के लिए। तो दोस्तों आज के लिए इतने ही, मिलते कभी दूसरे वीडियो के साथ दूसरे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।